हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, KTM Duke 125, KTM Duke 200 एंड KTM Duke 250 तीनों ही बाइक इंडियन मार्केट में आपको पता है अवेलेबल है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि तीनों बाइक में हमें कौन सी लेनी चाहिए। किसी किसी के पास बजट नहीं होता तो वो बजट के हिसाब से खरीद लेते हैं, लेकिन किसी किसी के पास बजट होता है तो फिर उन्हें कन्फ्यूजन होने लगता है कि हमें तीनों में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो इस वीडियो से उनको ये क्लियर हो जाएगा कि तीनों में उनके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीनों बाइक के प्राइस के बारे में। अब दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको ऑन रोड प्राइस बताऊंगा, क्योंकि एक्सरूम प्राइस बताने का आई थिंक कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ऑन रोड प्राइस पे KTM Duke 125 205,000 रुपये, 205,000 रुपीज़ के आसपास की आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। KTM Duke 200 ऑन रोड प्राइस अराउंड 225,000, 225,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। वहीं अगर दोस्तों बात करें Duke 250, तो 250 आप लोगों को 276,000 रुपये, 276,000 रुपीज़ के आसपास की आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। मतलब कि तीनों बाइक में अगर आप कंपेरिजन करते हो तो तीनों ही बाइक में आपको ऑलमोस्ट 125-200 के बीच में 20,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, और Duke 250 और 200 के बीच में 50,000 रुपये के आसपास का जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंसेस है उसमें कुछ कुछ चीज़ें भी जो है आपको अच्छी खासी इसमें देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब तीनों बाइक के कंपेरिजन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे तीनों बाइक के इंजन कंपैरिजन के बारे में, कि भाई इंजन में आपको तीनों बाइक में कितना डिफरेंसेस देखने को मिलता है। देखिए, इंजन जो टाइप है वो आपको तीनों बाइक में ना सेम देखने को मिलेगा। जी हाँ, तीनों ही बाइक में आप लोगों को लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOSC 4VFI जो इंजन है वो आपको तीनों ही बाइक में देखने को मिल जाता है। एक तरफ है 124.7cc, एक तरफ है 199.5cc, एक तरफ है 248.76cc। पावर के बारे में बात करते हैं, Duke 125 में आपको 14.5 के आसपास की PS पावर देखने को मिलती है, Duke 200 में आपको 25 की PS पावर मिलती है, और Duke 250 में आपको लगभग 30 PS के आसपास की जो पावर है वो हमें देखने को मिल जाती है। मतलब दोस्तों, अगर आप तीनों ही बाइक के बीच में कंपैरिजन करते हो तो पहले टॉर्क जान लीजिए। 125 में 12 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, 200 में 19.3 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, 250 में आपको 24 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों, आप अगर 125 जी हाँ 125 एंड 200 के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो 200 में काफ़ी ज़्यादा पावर है, और 200 एंड 250 के बीच में कंपेयर करते हैं तो थोड़ा कम पावर डिफरेंसेस आपको तीनों बाइक मतलब दोनों बाइक में मिलेगा। दोनों बाइक में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे DOSC जो इंजन है, तीनों ही बाइक में आपको डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिलता है, तीनों बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि तीनों ही बाइक में आप लोगों को FI जो इंजन है वो देखने को मिलता है, तीनों बाइक में 6 गियर देखने को मिलते हैं। एक फ़र्क है कि Duke 125 एंड 200 में स्लीपर क्लच नहीं आता, बट अपनी जो 250 उसमें आपको स्लीपर क्लच आता है, यानी कि मिलता है। एंड दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, Duke 125 की बोर साइज 58mm की, 200 की 72mm की, 250 की 72mm की, स्ट्रोक साइज 125 की 47.2mm की, 200 की 49mm की, एंड 250 की अराउंड 61.1mm के आसपास की देखने को मिल जाती है। तीनों ही बाइक जो है 4V इंजन के साथ में आती है, तीनों बाइक जैसे आपको पता है कि BS6 नॉर्म्स के साथ में आ जाती है। तो ये था दोस्तों तीनों बाइक का कंप्लीट इंजन कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अपनी जो 250 है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और अपनी जो 200 है वो नॉर्मल है, और 125 थोड़ी सी हमें अंडर पावर देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों तीनों बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, माइलेज में ड्यूक 125 अराउंड 40-45 के आसपास का माइलेज निकालती है, 200 अराउंड 35 का माइलेज निकालती है, और जो Duke 250 अराउंड 30 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर देगी। 0-100 में Duke 250 को 8.64 सेकंड लगते हैं, 200 को 9.2 सेकंड लगते हैं, एंड 125 को अराउंड 14.7 सेकंड के आसपास के लगते हैं। टॉप स्पीड 125 की 120 किलोमीटर पर आवर है, 200 की 142 किलोमीटर पर आवर है, और अपनी 250 की 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिल जाती है। अब आ जाते हैं तीनों बाइक के फ्रंट में। सबसे पहले देख पा रहे दोस्तों तीनों बाइक के फ्रंट सस्पेंशन। तीनों बाइक में आपको 43mm के अपसाइड डाउन
43mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन यानी कि USD फॉक जो सस्पेंशन आपको तीनों बाइक में देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन जो है यूज़ किए गए हैं। टायर साइज़ में तीनों बाइक में 110/70 का जो टायर साइज़ है वो आपको तीनों ही बाइक में जो है वो देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीनों ही बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। देखिए ब्रेकिंग में मेजर फर्क ये है कि ड्यूक 125 में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अपनी जो ड्यूक 125 बोलता हूँ, अपनी जो ड्यूक 200 है उसमें आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। KTM ड्यूक 250 में भी आपको जो डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्लेट साइज के बारे में। 200 की 300mm की है, 125 की 300mm की और 250 की 320mm की जो प्लेट है वो देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तीनों बाइक की लाइट्स के बारे में। तीनों बाइक की जो लाइट्स है वो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। ड्यूक 125 में आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले बाइक में आपको LED डियरल लाइट जो है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। मेन लाइट के बारे में बात करें तो मेन लाइट में आपको बाइक में जो हेलोजन लाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है मुझे लगता है KTM ड्यूक 125 का। 200 में भी आपको सेम वही LED डियरल लाइट देखने को मिलती है और मेन लाइट में आपको बाइक में हेलोजन लाइट देखने को मिलती है, जो कि ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा भाई मतलब एक माइनस पॉइंट है कि भाई MT15 में यामा इतने अच्छे अपडेट करता जा रहा है। LED प्रोजेक्टर लाइट आती है उसमें, बट अपनी जो है इतनी महंगी 200 है उसमें आप लोग देख पा रहे कि आज भी इसमें आप लोगों को नॉर्मल हेलोजन लाइट देखने को मिल रही है। 250 के बारे में बात करें तो 250 में आप लोगों को LED डियरल लाइट तो देखने को मिलती है, लेकिन साथ में आपको बाइक में फुली LED जो सेटअप लाइट है वो आपको 250 में देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है अपनी 250 का, क्योंकि दोस्तों 250 में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 250 में भैया इसकी जो लाइट की इल्यूमिनेशन है वो आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों रियर में तीनों बाइक के। तीनों की जो रियर टेल लाइट है वो आपको LED देखने को मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। तीनों की टेल लाइट में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। तीनों के रियर में आपको 150/60 के जो टायर साइज़ है वो देखने को मिलते हैं। तीनों बाइक में आपको 230mm के डिस्प्ले देखने को मिलती है। प्लस तीनों ही बाइक में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों WP के जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीनों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तीनों बाइक में आप किसी एक का मीटर देख लीजिए, मतलब एक ही है। इसमें आप लोगों को देख पा रहे हैं कि फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, LED इंडिकेटर, फ्यूल गेज, फ्यूल लो फ्यूल वार्निंग लाइट, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, गियर शिफ्ट, इंजन चेक इंडिकेटर, ये सारे फीचर आपको तीनों बाइक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्विचेस में लेफ्ट हैंड साइड में पावर स्विच, लो बीम हैविंग टर्न सिंगल लैप एंड राइट हैंड साइड में हॉर्न का स्विच प्लस इंजन किल स्विच सेल्फ का स्विच मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। ड्यूक 125 की जो सीट हाइट है दोस्तों 822mm की, हालांकि तीनों की 822mm की। तीनों में 13.4 लीटर जो पेट्रोल आप एक बार में फ्यूल करा सकते हो। ड्यूक 125 का कर्व वेट है 159 kg का, 200 का भी सेम आता लगभग 159 kg का एंड 250 का 169 kg का। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस 250 की है 151mm की, 200 की है 155mm की और 125 की भी 155mm के आसपास की देखने को मिल जाती है। सो ये तो दोस्तों तीनों बाइक का कंप्लीट कंपैरिजन मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया। अब सवाल उठता है कि विच वन शुड यू बाय, आपको लेनी कौन सी है। देखिए दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि तीनों ही बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, तीनों बाइक को आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको भाई जहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको तीनों में चाहिए क्या। मतलब इफ़ यू वॉन्ट ओनली पावर, गो फॉर KTM ड्यूक 250। इफ़ यू वॉन्ट पावर प्लस माइलेज, गो फॉर KTM ड्यूक 200। इफ़ यू वॉन्ट ओनली माइलेज, गो फॉर KTM ड्यूक 125। सीधी सी बात है, बाकी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद वंदे मातरम।